हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग मिस्ट्री। एक दिन में दो वीडियो डालने का स्ट्रिक फाइनली माइनिंग मिस्ट्री चैनल का टूट गया। और ये क्यों टूटा, आज क्यों मैं सुबह से एक भी वीडियो नहीं डाल पाया, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को खास करके बहुत ही ज़्यादा आपको शेयर करना है, ये आपका ड्यूटी है। मैं क्यों आज वीडियो नहीं डाल पाया, माइनिंग मिस्ट्री चैनल के साथ क्या हुआ, यूट्यूब वालों ने क्या मैसेज किया, मैं सब आपको दिखाता हूँ। कल रात में मेरे को 1:15 पे ये यूट्यूब की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ। टाइम देख लीजिए आप, 1:15, और मैसेज क्या था, माइनिंग मिस्ट्री वी हैव रिमूव्ड योर चैनल फ्रॉम यूट्यूब। ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था मेरे लिए। आज सुबह जब मैं उठा तो ये न्यूज़ देखा, ये मेल देखा मैंने, और मेरा माइंड पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, डाइवर्ट हो चुका था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। रीज़न कुछ नहीं लिखा हुआ था कि क्यों बैन हुआ है, क्यों रिमूव किया गया, कुछ नहीं। अब ये मैसेज मैं आपको मेल पूरा पढ़ाता हूँ कि ये मेल था क्या। देखिए यहाँ पे, वी हैव रिव्यूड योर कंटेंट एंड फाउंड सीवियर रिपीटेड वॉयलेशन। मतलब मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई वॉयलेशन है जिसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, और मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट कुछ काम किया हूँ, इसके वजह से मेरा चैनल क्या होता है, वी हैव रिमूव्ड योर चैनल फ्रॉम यूट्यूब। मैंने आपके चैनल को यूट्यूब से परमानेंटली रिमूव कर दिया है। यूट्यूब की तरफ से एक मुझे मेल आया रात को 1:15 में, और ये मेल मैं आज सुबह में इसको रिसीव किया, और ये मेल आज सुबह में मैंने देखा। उसके बाद मेरा दिमाग तो पूरा खराब हो गया था कि ये क्या हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था। फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे कि इसको रिकवर कैसे करें, रिकवर कैसे किया जाता है, कितने टाइम में होता है। तो वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिला कि 7 से 10 दिन में आपका रिकवरी में टाइम लगेगा, 7 से 10 दिन आपको क्या होगा, वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका चैनल फिर से रिव्यू होगा, और उसके बाद एक्टिव होना होगा तो होगा। तो मैं तो 7 दिन रुकने वाला था नहीं, मैं सहारा लिया फिर ट्विटर का। मैंने ट्विटर पे यूट्यूब और यूट्यूब क्रिएटर को टैग किया और सारा विश्लेषण अपना किया। माई अकाउंट हैज बीन डिलीटेड विदाउट एनी रीजन। मैंने सारा स्पष्टीकरण दिया कि मैंने ऐसा कोई भी चीज पोस्ट नहीं किया हूं जो क्या है, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, फिर भी मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो रिमूव कर दिया गया है। और मैंने यूट्यूब को तुरंत इसके विषय में एक्शन लेने के लिए बोला और मेरा यूट्यूब चैनल को वापस करने के लिए बोला। ये ट्वीट मैंने लगभग 7-8 बजे सुबह में किया मैंने। उसके बाद मैंने अपना यहाँ चैनल का URL दे दिया। उसके बाद ट्विटर की तरफ से एक रिप्लाई आया। देखिए टाइम 3 मार्च 2023 8:52 में एक रिप्लाई आया कि आपको अगर अपना यूट्यूब चैनल वापस चाहिए तो आप इस गूगल फॉर्म को भरिए। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी देखा था कि इस गूगल फॉर्म को आपको भरना होगा, मैं भर भी रहा था, लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी कि मेरे पास मेरा चैनल का URL नहीं था, और ये फॉर्म भरने के लिए मुझे चैनल का URL चाहिए था जो कि मेरे पास नहीं था, जिसके कारण मैं नहीं भर पा रहा था। उसके बाद फिर मैं क्या करूँ, फिर मेरा माइंड ब्लॉक हो गया। फिर मैंने ट्वीट किया यूट्यूब को और यूट्यूब से क्या मांगा, अपना चैनल का URL मांगा। सारा चीज मैंने अपना ट्विटर को बताया कि मेरा चैनल का नेम ये है, चैनल का लिंक मेरे पास था, यूट्यूब हैंडल था, लेकिन उस चैनल का URL नहीं था मेरे पास। तो मैंने यूट्यूब से अपना चैनल का URL मांगा, तो यूट्यूब ने मुझे देखिए 2:20 में ये मैसेज, देखिए 3 मार्च 2023 को 2:20 में यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज आया जिसमें मेरा चैनल का ID और चैनल का URL के लिए एक लिंक दिया गया कि इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना चैनल का URL खोज सकते हैं। फिर मैंने क्या किया है, अपना URL खोज के सेम वही फॉर्म को भरा और फिर से यूट्यूब को मैंने ट्वीट किया, और इस बार यूट्यूब इंडिया, यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब क्रिएटर, यूट्यूब वर्ल्ड सबको टैग कर दिया। उसके बाद फाइनली 3:15 पे टाइम यहाँ पे आप देख लीजिए, 3:15। आपको अगर कोई सा विवाद मेरा झूठा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं अपना ट्विटर हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ सारा ट्वीट मेरा आप पढ़ सकते हैं। 3:15 पे मुझे एक मैसेज आता है फिर से, हाई माइनिंग मिस्ट्री वी हैव रिव्यूड योर अपील फॉर द फॉलोइंग। मैंने आपका अपील को सुन लिया है, और उसके बाद क्या था, चैनल नेम माइनिंग मिस्ट्री आफ्टर टेकिंग अनदर लुक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर से आपको आपका चैनल एक बार देखने के बाद हम ये कन्फर्म करते हैं कि आपका चैनल हमारे कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट में कुछ काम नहीं किया है, कोई ऐसा चैनल आपका कंटेंट नहीं है जो हमारे YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है। थैंक यू फॉर द पेशेंस, आपने जो धैर्य रखा उसके लिए धन्यवाद, आपका चैनल फिर से एक्टिव हो गया। मैं तुरंत उसी टाइम अपना चैनल देखा और मेरा सारा कंटेंट, सारा व्यू, सारा सब्सक्राइब मेरा वापस हो गया था। उसके बाद एक मेल मुझे प्राप्त होता है 3/18 को कि अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं अपना YouTube का तो इससे क्रिएट कर लें, और आपका फाइनल जो था वो मेरा मेल आ गया था कि आपका जो YouTube चैनल है वो फिर से खोल दिया गया है। देखिए यहाँ पे प्लीज रिपील माय, ये मेरा मेल था जो मैंने किया था YouTube को, मैंने मेल भी किया था और ट्वीट भी किया था, ये मेरा मेल है। उसके बाद मुझे मेल आया था किसका, लिखा हुआ था
देखिए यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, दिस मीन्स योर अकाउंट इज वंस अगेन एक्टिव एंड ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब फिर से आप इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, बहुत ही ज्यादा अपसेट, क्योंकि एक वीडियो के पीछे मैं 2 से 3 घंटा देता हूँ और डेली कम से कम 2 वीडियो तो मैं डेली अपलोड करता हूँ। तो सोचिए मुझे कितना मेहनत लगा होगा, वो 30-32 दिन के अंदर मैंने लगभग 65 वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था। उसके बाद मैं एक थैंक यू का मैसेज किया मैंने यूट्यूब को, जब यूट्यूब मेरा काम कर दिया तो मैंने थैंक यू का मैसेज किया, थैंक यू YouTube, YouTube क्रिएटर टीम, YouTube इंडिया फॉर रीएक्टिवेटिंग माई सस्पेंडेड अकाउंट। और मैंने उनको वार्न भी कर दिया कि मेक श्योर कि दोबारा ऐसा चीज गलती ना हो, ये मिस्टेक रिपीट ना हो। इसका भी मुझे रिप्लाई आया, वी डू आवर बेस्ट टू प्रिवेंट मिस्टेक। हम लोग ऐसा बहुत चीज करते हैं जिससे हम लोग का मिस्टेक नहीं होता है, बच सके मिस्टेक से, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है, इंसान है, हो जाता है। मेरे को YouTube ने सॉरी बोला और मेक श्योर किया कि ये गलती जो है वो दोबारा नहीं होगा। तो ये था वजह कि आज मैं सुबह से एक भी वीडियो नहीं डाल पाया और आज इस टाइम पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं कल से अपने नेक्स्ट CMR के सीरीज में वही पार्ट के साथ, शाम में वही दूसरे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक कोई भी चीज के बारे में बात करने के लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि दूसरे जो यूट्यूबर क्रिएटर हैं उनको ये दिक्कत ना हो।